आज ही यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन भी फाइल किया है। आपको पता है बनारस के वो सांसद भी हैं, क्या एक बार फिर से चुने जाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे, सवाल तो है। इन सबके बीच आप लोगों के पास में आना चाहूंगा, चुनाव में कौन आपको महत्वपूर्ण नजर आता है, चेहरा या मुद्दा, किसके नाम पर वोट डालते हैं? सर सबसे पहले क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूंगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोग वोट दिए तो क्या सोच के देते, यही ना रोजगार। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी आज तक एक रोजगार नहीं दिए। सर मेरा घर सर बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, कल छपरा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर आए थे, वहाँ पे एक वहाँ पे चीनी मिल है, वहाँ पे खुद कैंपेन किए, वहाँ से बोले कि चीनी मिल का चाय पीऊंगा इसी चीनी से, दो बार ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका, आज तक चीनी मिल का काम शुरू तक नहीं, चीनी मिल का काम शुरू नहीं हुआ। क्या मुद्दा होना, मुद्दा होना चाहिए यहाँ नौकरी का मुद्दा होना चाहिए और कुछ कोई चीज से मतलब नहीं। देश में क्या हो सके, युवा को रोजगार चाहिए वो मिल नहीं, बिल्कुल सही बात है, युवा को रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी होना चाहिए। क्यों सर? उन्होंने काफी विकास किया हुआ है। विकास बताइए कहाँ, आप बताइए, आप पीछे क्यों चली गई, महिलाएं क्या सोच रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। हेलो, माई गाम का एपी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में वाला टीडीपी पार्टी और बीजेपी जनसेना कूटमी है, अच्छा पार्टी है मोदी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ जो अलायंस में है बीजेपी, आपको लग रहा है उसको फायदा होने जा रहा है? टीडीपी बीजेपी अलायंस, टोटल विन ऑफ द एपी लो टीडीपी बीजेपी जनसेना। अच्छा, आप आंध्रा से आए हैं, दर्शन हो गया? दर्शन हो गया, हो गया। अच्छा हाँ, बोलिए तो कहाँ से आए हैं? हम बनारस के रहने वाले हैं। क्या होने वाला है बनारस? अच्छा होने वाला है। मोदी जी मोदी 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 जी मोदी जी राष्ट्र मोदी 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 मोदी। क्या करती हैं आप? मैं बीएससी कर रही हूँ। सब दिख रहा है, कैसे आए हुए हैं? और राष्ट्र के नाम पर मोदी जी, राम मंदिर के नाम पर मोदी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। इधर इधर किसको क्या अपनी बात रखनी थी, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी? यस सर। सर डेफिनेटली मोदी जी। अच्छा, इधर आइए, फाक के आइए, जरा टाइम नहीं, जल्दी आइए, क्या करना चाहिए? सर जी मोदी जी के मंदिर के नाम पे ये लोग बहुत खुश हैं, क्या इन लोगों के पढ़े लिखे बच्चे लाची दाना बेचेंगे? अभी सबको मोदी जी बोल रहे हैं, सबको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 48% तक पहुंच गया है और जीडीपी का नाम से, ये जीडीपी ना गलत कैलकुलेट किया गया है, जीडीपी के नाम से धंधा हो रहा है, एंड इन्फ्लेशन रेट जो कि 6% में आ गया है। हम लोग जो 2014 में कौन प्रधानमंत्री बन जाए तो इन सबको ठीक कर देगा। राहुल गांधी बनना, राहुल राहुल गांधी, राहुल गांधी एक टर्म चांस, राहुल गांधी, राहुल। देखिए भाजपा के प्रवक्ता से हमारा सवाल है, देश में मुख्य मुद्दा रोजगार, शिक्षा पे, चिकित्सा पे बात होनी चाहिए और उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार मुद्दों पे आप वोट डालते हैं? एकदम एकदम एकदम, इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन और पीढ़ियों को वोट डालने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। गॉड अल्लाह से कोई वैर नहीं, हिंदुस्तान चाहिए, रोजगार चाहिए और आम आदमी को जीवन यापन के लिए व्यवस्था चाहिए। बहुत अच्छी बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।